आप सभी को पता है कि 12 तारीख को पर्यावरण के चुनाव होने जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला, वोटों की अपील करने के लिए आपके गांव में पहुंचे हैं और अपना तो हक भी बड़ा भाई जमींदारा का। जमींदारा खतर काम करेगा, कोई है कि याद कोई कहता सारा याद है याद है क्या? तो चोर देवलाल करा था तो बैठे जा रहे पुलिस वाले रोक रखे ट्रैक्टर ने, बोले भाई पुलिस वाले कुछ रोके, बोले चलाने कट्टे, बोले इन लोग कट्टे को चलाने गए। क्या तो चोरी देवलाल ने करवाया था कि ये तो उसके फिर तुम्हारा अपने वो जीएसटी दायरे में ला कर कमर्शियल व्हीकल कर दिया था। रही ट्रक गाड़ी जो ट्रक का टैक्स फुल भरा, फोर व्हीलर का भरा, कार का भरा, वो मैं ला दिया था अपने एम पी साहब जाकर संसद का भाई संसद में ट्रैक्टर ने ये बड़े बड़े पहने तो बड़े लोगों दिया गया संसद का मान लीजिए अगर अपना पेंडा छुटा दिया अपना अपना नहीं कासड़ा कर रहा नहीं सार का नहीं सारे भारत के मैं किसान ये ट्रैक्टर खरीद करवा दिए। और आगे आप चाहवा कि ईम सरसम में चाहवा अपने सारी सरसम बिकी के कौन बिकी होगी सरसम तो फिर ही ना आप घरे धर लिया बोलने मंगाल के सुने कोनी और कोनी हो दो साल में बेच लिया साल में बेच लिया कदम बौड़ा जाए तो इलेक्शन है नहीं या कणक भी कौन बिकार नहीं। और अगले कड़े कौन भी कहेगी कणक का क्या इलाज करोगे है कोई इलाज? आप पांच चार बोर्डी घरे खाने खातर रखा और बीच आने टाइम क्या वो रूमान के लिए खोल लेनी पड़ेगी सुलझिए वो स्टॉक भी कौन कर सका कहना मतलब ये है। तो अपना हक ये पड़े कि तो हिंदुस्तान में 543 सांसद बन के जावे कोई इन्हों सिवाय कोई सांसद अपने जमींदार खतरे के लिए कोई आवाज उठाएगी तो सर ये भारत पंचायत का इलेक्शन आवा है जिसको बाबू वार्ड के अंदर बिना खबर ने बना दिया हवा के अंदर से इनको ना खबर ना बात चंदनला लेकिन बना दिया है ना यार तो शमशेर में बना दिया है वो अच्छा होगा। अरे एक वार्ड मेंबर आप अच्छा सुनना तो अपना मैं मतलब कौन होगी कमी कमी नहीं है। तो मेरे तो यही प्रार्थना है कि 12 तारीख में ज्यादा से ज्यादा वोट चप्पल का निशान पर बटन दबा के भारी मतदान तो जिता के भेजेंगे तो अपने अगले जरा जानिए बिकेंगे उड़ेंगे आवाज उठाते हैं तो सिंध आवाज उठाओगा तो कोई सवाल करेगा नहीं बंद है इनकी सरकार जाएगी इन्हों में जिताओ सरकार आओगी। अब मैं अपील करूंगा अपने युवा सांसद दुष्यंत चौटाला जी से जो आए और वोटों की अपील करे दुष्यंत चौटाला। अब मैं हमारे पूर्व में रहे हल्का प्रधान सरवण जी बिश्नोई से अनुरोध करूंगा कि दुष्यंत जी का गाँव में आने पर स्वागत करें अभिनंदन करें। सरवण जी बहुत ही आदर व सम्मान के हमारे युवा सांसद दुष्यंत जी चौटाला दो गिलास पूर्व विधायक रण सिंह बड़ीवाल और सम्मानित मंच काजरा के मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों माता भाई बात इतना है काजरा का मैं पेल के थे चार भेजियो अब कड़ाई क्यों ज्यादा बोलता हूँ आपने दुष्यंत ने जितार तो दुष्यंत में हाथ पकड़ लो किन्ने जार मिल लो काम कराने में मतलब बिजली को टैंकर को आपने सर पानी वो टैंकर दे दियो और भी काम। अच्छा ट्रैक्टर की बात आई तो सांसद में एक ही सोच पूरे हिंदुस्तान में सांसद है पूरे हिंदुस्तान के में सारी बात मेरी बात हो पहला एम पी घर ही आया फिर
किरंदर सिंह एमपी रे हिसार को आपनो भाई एड्डो आपने हिसार हवा है और किरंदर सिंह मेरी बार रोक करनाल बिगवा दियो जिनो भी वो हिसार है और करनाल में मेरी बार किरंदर सिंह आपनो भाई एड्डो कस्तो मोटो नुकसान करियो है ए भाई नौकरी लग गया कोई और हुआ है हिसार भाई एड्डो दुष्यंत ने सा उठा है करनाल सीएम खट ले गयो और वीरेंद्र ने कोई जाने इत कम आयो कभी मंत्री रे उस पार मंत्री है अर्पिरेंद्र सिंह कदी इत काम में आयो है बताओ कोई नेर का पानी की समस्या है आपने कदी बार सही बन कोई तो दुष्यंत धारीवाद एक पहलो हिस्सो सांसद है पहला एमपी पहला कुलदीप भी रहे हो कदी बार सही आज दुष्यंत सांसद दिखा दियो और एक काम गया एक आदमी ने सांसद के मई लेदार सांसद दिखायो सांसद की कार्रवाई चलती दिखाई तो एक बढ़िया और छोड़ के उसके देवीलाल अरे रही ऊपर आज मेरी बात सुनो देवीलाल से सोली के अपने सुनकरी को तो लाइकर मिले कौन मिले तो बात देवीलाल की नीति पर चलने आदमी है दुष्यंत अरे हाथ मजबूत करो तो थे मजबूत हो मैं तब तो ही कहूँ भाई आपने गांव में मेरी बार रो फिर क्या छप्पन वोटों की तय तब का दो सौ वोटों को मुख्यमंत्री साहब अब आपके सामने दुष्यंत चौटाला अपने बात सुनेंगे अपने सांसद दुष्यंत जी चौटाला से दुआएं और अपने विचार रखे दुष्यंत जी चौटाला बहुत ही आदर सम्मान की है गाँव काजरा जी पावन मरापुर मौजूद हम अपनी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी गाँव के मेरे बुजुर्गो मेरी माताएं मैंने युवा साथी मैं तो ज्यादा ना कहते हुए इतना ही बोलना चाहूंगा कि जैसे पार्लियामेंट में 5 साल में आपकी आवाज बनकर गुंजा अब आपकी जिम्मेवारी है कि अगले 8 दिन मेरी आवाज बनकर आपको गांव को संभालना है और 5 साल के अंदर मेरे संज्ञान में तो कोई भी समस्या आई मैंने पार्लियामेंट के माध्यम से उसका निपटारा भी करवाने का काम किया और नतीजे लाकर दिखाए जिसने शायद इस देश इस प्रदेश और अपने हिसार लोकसभा में बड़े बड़े बदलाव देखे अमित जी मेरे से पूर्व ट्रैक्टर वाली बात कर रहे थे बीजेपी ने तो कसाईयों की तरह ट्रैक्टर को कट दिया चालान अगर पार्लियामेंट में ट्रैक्टर ना लेके जाते तो शायद आज अपना ट्रैक्टर हाईवे पे चले रोड पे चढ़ने लायक भी बीजेपी ना मगर जिस दिन पार्लियामेंट में डाला उस ट्रैक्टर को 30 दिन के अंदर अंदर सरकार ने अपने नोटिफिकेशन को वापस करके उसको गाजा बनाने का काम किया बुजुर्ग युवा साथी आज बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है याद नहीं करती 2014 में क्या क्या बातें करी थी 15 लाख खाते में आएंगे अच्छे दिन आएंगे महिला को सुरक्षा देंगे ये बातें कि विकास के नाम पर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे किसान की आय दुगनी कर देंगे गरीब को मकान देंगे 5 साल के अंदर बीजेपी ने केवल मात्र झूठी बातें करकर हमारे युवा को बदलाने का काम किया रोजगार के नाम पर 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे आज यहाँ पर 50 लाख युवाओं को बेरोजगार जो लोग कहते थे कि हम प्रदेश के अंदर बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे उनसे पूछने का काम करो कि इस पूरे अरसे में क्या महिला सुरक्षा के लिए अब भी हर रोज हरियाणा में 2 रेप की घटनाएं घटती है महिलाओं के खिलाफ अपराध में इस देश का 4th असुरक्षित राज्य है किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे सारे भूल जाते हो डीएपी 400 रुपए महंगी कर दी यूरिया 200 रुपए महंगी कर दी 5 किलो यूरिया का वजन कम कर दिया एक कट्टे में से
थाने में जाके पर्चियां कटानी पड़ी थी यूरिया की, वो भी भूल गए सर। बुजुर्ग युवा साथियों 2000 रुपए कहते पेंशन दे दी 5 एकड़ पे किसान। सरसों तो सबसे सस्ती फसल बीमा की फसल है, 700 रुपए किले में इंश्योरेंस हो जाए। 5 किले के 3500 तो फसल बीमा के काट लिए, 2000 वापिस कर दिए, 1500 का नुकसान किसका है? आपका है, मोदी का है, जमींदार का ही। नोटबंदी लेके आए कि काला धन पकड़ा जाएगा, काला धन पकड़ा जाएगा। मोदी कहता है सर्जिकल स्ट्राइक है काले धन पे, काले धन पे नहीं थी, कमेरे के धन पे। मेरी माता है, मैंने बैठी इनके को 2000-4000 छुपाए पड़े थे देश के आगे, नोटबंदी नहीं की। आज जो समझने की देखने की चीज है कि नोटबंदी में अपना पैसा तो बैंक में डलवा दिया और बैंक का पैसा लेके भाग गए ललित मोदी, नीरव मोदी। नुकसान किसका हुआ, हारा या मोदियों का? आप ना ब्याज मिलो पीछे और चले जो बैंक। तो मेरी यही अपील है, विनती है, मैंने तो चाहे पानी के टैंकर हो, मच्छर मारने वाली मशीन, चाहे 4000 गाड़ियों तक बिजली पहुंचाने की बात। आज देश का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र हिसार में खुला, पहला वाईफाई गांव हिसार में बना। आज बात करें तो मेरी तो 25 करोड़ एम्पीलैंड खर्ची खर्ची, 3 करोड़ मेरे से पहले 3 सांसद लगी थी, उनकी भी लाकर खर्चने का काम। इसलिए अधिकार के साथ आज आपको कहता हूँ, लेकिन मैं आपकी आवाज बनकर रहा हूँ, तब आप मेरी आवाज बनकर अगले 8 दिन काम करें। बुजुर्ग युवा साथियों, एक अनुरोध एक आपसे विनती है कि आप डोर टू डोर एक बार और गांव का बने। 7 तारीख की अपनी रैली हिसार के अंदर, उस रैली की तैयारी में जुट जाओ, घर घर जाकर एक एक व्यक्ति तक किसानों में मंडी में मजदूर सबके पाँव में रहने वाली चप्पल है जी, पर अब तो थे घर घर जाकर चप्पल को प्रचार करो। मैं तो आई अपील करने आया हूँ, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम कई का मांगा, ये मैं थारी जिम्मेवारी ज्यादा है कि अपनी जिम्मेवारी समझ कर एक एक व्यक्ति ने थे जोड़न पाना। और मैं अनुरोध करूँगा, मेरा तो दूसरों भी रिश्तेदारी वालों भी पड़ गयो हमला के सारा तब तो अधिकार सा के दुगने अधिकार सा के वोट मांगो, अभी मन जाओ जुट जाओ। और आपने 12 तारीख ने एक एक वोट की गठबंधन ने चप्पल को बटन दबा कर देने को काम करा।